नागराज सुपर कमांडो धोर और परमाणु, पर आज परमाणु दो कैरेक्टर की बात ही करेंगे। आज बात करेंगे परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण की, जो कि आज रिलीज हुई है। इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने और इसमें है जॉन अब्राहम, उनके साथ डायना पेंटी और बमन ईरानी। मेरा प्लान है इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना। हमारे मिशन का बेस होगा पोखरण फोर्ट और आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बन के जाएंगे। साल 1995 में आईएएस ऑफिसर अश्वथ रैना कहते हैं कि भारत को परमाणु परीक्षण करना चाहिए, जिससे वो चीन और पाकिस्तान से आगे रहे, पर अमेरिका के प्रेशर की वजह से वो फेल हो जाता है। फिर दोबारा मौका मिलता है अश्वथ को 1998 में, और उसके बाद क्या होता है यही है कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स और वो लिखते हैं कि फिल्म आधा फिक्शन है और आधा फैक्ट पर बेस्ड है और 1998 में हुए पोखरण 2 टेस्ट के बारे में है। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस पर थोड़ा सा ध्यान दिया होता, बारीकी से काम किया होता, तो फिल्म में थोड़ा सा वजन रहता और जॉन अब्राहम के कंधों पर पूरा भार होता है भाई साहब फिल्म का। फिल्म में डिटेल और ऑथेंटिसिटी कम है पर उसको कवर कर लेती है नेशनल प्राइड की सेंस और इमोशन, मतलब कवर अप कर लेता है, पूरा एक माहौल बना देता है। और फिल्म का जो नैरेटिव है वो उतना धमाकेदार नहीं है, बट एज अ व्यूअर वो आपको ग्रिप रखेगा। थ्रिल, थोड़ा सा ह्यूमर, ड्रामा और भारतीय सैनिकों पर कॉमेंट्स भरे हुए हैं इस फिल्म में और यकीनन ये आपको पसंद आएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने इस फिल्म को दिए 3 स्टार्स और वो क्या लिखते हैं वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे आपको चचा। चचा जल्दी बताओ भाई, जिस तरह हम घूमते रहते तुम्हारी चची के आजू बाजू घर में, उसी तरह फिल्म घूमती रहती है जॉन अब्राहम के आजू बाजू। और अब मेरे एक्सप्रेशन देखो तुम, मेरा डेड पैन एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसी एक्सप्रेशन है जॉन अब्राहम के, पर जिस तरह तुम्हारी चची हम जैसे डेड पैन एक्सप्रेशन चचा के साथ मैनेज कर रही है, उसी तरह फिल्म भी मैनेज करती है जॉन अब्राहम के साथ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो फिल्म का कमाल के सीन है, फिल्म के एंड में आते हैं जो कि बहुत जरूरी है भाई साहब, और 2 घंटे 9 मिनट तक ये फिल्म आपको अपनी पेटी के साथ बांधे रखती है, कहीं जाने नहीं देती, उसी तरह बिल्कुल जैसे तुम्हारी चची हमें बांध देती है कुर्सी से, हम जैसा नहीं करती है। 3 स्टार्स। एनडीटीवी के साइबल चैटर्जी ने इस फिल्म को दिए 1.5 स्टार्स और वो लिखते हैं कि जॉन अब्राहम जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म में अपनी पूरी जान लगा देते हैं और उनकी लगाई हुई इस जान को बेकार कर देता है फिल्म का स्क्रीन प्ले। एंड डायना पेंटी इज प्रिटी बट शी इज प्रिटी अनकन्विंसिंग। तो परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण बिल्कुल एक BHK फ्लैट है, मतलब पूरी फ्लैट फिल्म है, 1.5 स्टार्स। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में जॉन अब्राहम ही सब कुछ है, मतलब वही अपने कंधे पर फिल्म को आगे लेके जाते हैं, वो एक टीम बनाते हैं और अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को दाएं बाएं रखते हैं, मतलब आपको स्लोमो में भागते भागते जॉन अब्राहम दिखेंगे, कमाल का बैकग्राउंड स्कोर दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। पर जो फिल्म में नहीं है वो है बारीकी और ऑथेंटिसिटी, मतलब वो सब चीजें गायब है जिसकी वजह से आप फिल्म को सीरियसली लेते हैं, वो है ही नहीं, इसलिए सीरियस नहीं लगती फिल्म आपको। यार ऐसा लिखना इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता का, जिन्होंने इस फिल्म को दिए 1.5 स्टार्स। तो 4 रिव्यूज के हिसाब से परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण को मिलते हैं 2.3 स्टार्स। और अब चलते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म बायोस्कोप वाला की तरफ, जिसमें है डैनी डेंजोंगपा, गीतांजलि थापा और टिस्का चोपड़ा। जहां तक रेटिंग्स की बात है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को दी है 3.5 स्टार्स, NDTV और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस फिल्म को दी है 4 स्टार्स और इंडियन एक्सप्रेस ने दिए 2.5 स्टार्स। ऑन एवरेज इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 स्टार्स। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, इस हफ्ते बायोस्कोप वाला और परमाणु का ऑप्शन है, इस हफ्ते बायोस्कोप वाला और परमाणु का ऑप्शन है। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश। तो अगर आपको मेरी घटिया शायरी पसंद आई और अगर आपको अपनी घटिया शायरी कहनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स अपनी घटिया शायरी कह दीजिए। और जाने से पहले BBC हिंदी का YouTube पेज सब्सक्राइब कीजिए और Facebook का पन्ना भी लाइक कीजिए। मैं विदित लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। बाय बाय।